Dear students, welcome toward the second paragraph. In this paragraph, we shall learn that how the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam used to deal the people in different issues with justice. Let's move. Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam practically proved. Hazrat Muhammad ne amli taur par proved, yani sabit kar diya that ke no one could be more just ke koi bhi zyada just ka word jo hai wo munsif ke liye use hota hai, theek hai. Aap isko different meaning mein use kar sakte ho. Just ka meaning hota hai munsif, insaaf pasand, adil, raastgo, theek hai, saaf utre len den karne wale, kuch bhi iske liye aap use kar sakte ho. Hum yahan par isko according to the hamari jo contextual meaning aa raha hai usme hum use karenge. Maine isko munsif ke liye use kar diya hai. दैट के नो वन कुड बी मोर जस्ट के कोई भी ज़्यादा मुनसिफ एंड इक्विटेबल और इंसाफ पसंद नहीं हो सकता दैन द रसूल ऑफ अल्लाह अलमाइटी के अल्लाह ताला के हज़रत मोहम्मद ने अमली तौर पर साबित कर दिया कि कोई भी अल्लाह ताला के रसूल से ज़्यादा मुनसिफ और इंसाफ पसंद नहीं हो सकता. एज अ यंग ट्रेडर, एक नौजवान ताजिर की हैसियत से ही अर्नड द गुड रेपुटेशन, उन्होंने बहुत अच्छी शोहरत हासिल की या बहुत अच्छी शोहरत कमाई ऑफ बींग एन ओनेस्ट, एक ईमानदार, फेयर मुनसिफ एंड जस्ट बिजनेस मैन और इंसाफ पसंद कारोबारी शख्स की हैसियत से. ठीक है, एक नौजवान ताजर की हैसियत से उन्होंने एक इंसाफ पसंद सॉरी ईमानदार मुनसिफ और इंसाफ पसंद कारोबारी शख्स के तौर पर बहुत अच्छी शोहरत हासिल की या बहुत अच्छी शोहरत कमाई. ही ऑलवेज हैड फेयर एंड जस्ट डीलिंग्स विद ऑल पीपल. यहाँ पर देखें, फिर फेयर के वर्ड को आप साफ सुथरे, सच्चे, आदिल, मुनसिफाना कुछ के लिए भी यूज़ कर सकते हो. ही ऑलवेज हैड फेयर एंड जस्ट डीलिंग्स विद ऑल पीपल, वो हमेशा लोगों के साथ करते थे. वो हमेशा करते थे फेयर, सच्चे या साफ सुथरे एंड जस्ट एंड और मुनसफाना डीलिंग्स, लेन देन करते थे. वो हमेशा लोगों के साथ साफ सुथरे और मुनसफाना लेन देन करते थे विद द पीपल, लोगों के साथ. ठीक है ना. व्हेन द काबा वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, जब खाना काबा को तामीर किया जा रहा था या जब खाना काबा की तामीर हो रही थी, देयर अरोज, यहाँ पर उठ खड़ा हुआ अ डिस्प्यूट, एक झगड़ा या एक तनाज़ा उठ खड़ा हुआ. अमंग, जी अमंग का वर्ड हम कैसे यूज़ करते हैं, बिटवीन का वर्ड यूज़ होता है दो लोगों के दरमियान की बात के लिए. जैसे आपके और अली के दरमियान कोई बात हुई तो हम कहेंगे दिस थिंग वॉज डिस्कस्ड बिटवीन यू एंड अली. ठीक है, जब दो लोगों के दरमियान की बात होती है तो बिटवीन का वर्ड यूज़ होता है, और जब ज़्यादा लोगों के दरमियान की बात होती है तो अमंग का वर्ड यूज़ होता है. जैसे हम कह सकते हैं कि दिस थिंग वॉज डिस्कस्ड अमंग दी क्लास, हम फिर ये नहीं कहेंगे बिटवीन दी क्लास, क्योंकि क्लास में ज़्यादा मेम्बर्स होते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं. तो अमंग का मीनिंग भी दरमियान के लिए यूज़ होता है. देयर अरोज़ आर डिस्प्यूट, यहाँ एक झगड़ा उठ खड़ा हुआ अमंग द पीपल, लोगों के दरमियान, रिगार्डिंग द ब्लैक स्टोन. ब्लैक स्टोन होता है हजरे अस्वद. हजरे अस्वद के हवाले से लोगों के दरमियान एक तनाज़ा या फिर झगड़ा उठ खड़ा हुआ. ही डिवाइस्ड, उन्होंने तजवीज़ पेश की, उन्होंने मनसूबा पेश किया या उन्होंने नसीहत की. द मोस्ट इक्विटेबल प्लान, उन्होंने बहुत ही मुनसफाना प्लान होता है मनसूबा, ठीक है ना, उन्होंने बहुत ही मुनसफाना मनसूबे की तजवीज़ पेश की फॉर द सेटिंग ऑफ द ब्लैक स्टोन. सेटिंग का वर्ड नसब करना, किसी जगह पर उसको रखना, तंसीब करना उसकी, ठीक है. तो उन्होंने इस हवाले से या हजरे अस्वद के को नसब करने के हवाले से बहुत ही मुनसफाना मशवरा दिया या बहुत ही मुनसफाना मनसूबा की तजवीज़ पेश की. दिस प्लीज्ड एवरी वन, इसने हर एक को खुश कर दिया, ठीक है, एंड सेव्ड देम फ्रॉम अ ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट, और उनको एक कबायली झगड़े से बचा लिया. ट्राइबल होता है आपका कबायली, कबीले को बोलते हैं ट्राइबल, ठीक है, एंड ट्राइब कबीले को बोलते हैं, ट्राइबल होता है कबायली, कॉन्फ्लिक्ट होता है झगड़ा. इसने हर एक को खुश कर दिया और उनको कबायली झगड़े से बचा लिया.